हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम विक्रम हेप क्लासेस। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ सुरक्षित और बहुत अच्छे से होंगे, ऐसी पूरी कामना है। आप सभी विद्यार्थियों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है भगवान भोलेनाथ आपको बहुत सारी सुख संपत्ति संपदा प्रदान करें। आप जहां भी हैं बहुत खुश स्वस्थ अच्छे से रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th के चैप्टर का किंगडम, एनिमल किंगडम का फाइलम नंबर 11 कॉर्डेटा। 11 नंबर का कॉर्ड फाइलम है कॉर्डेटा। हम इसको पढ़ेंगे, कुछ डिस्क्रिप्शंस देंगे और उम्मीद है लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई सारी बातें आप लोगों को याद होंगी। क्या वो चार्ट आप लोगों ने 2-3 बार बनाया होगा? अगर आप ऐसा करने में सक्षम हुए होंगे तो आपको एकदम 110% है कि वो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ गई होगी। वो चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे सभी 10 किंगडम को लिखना है और उनके कैरेक्टर्स को, पहले 4 कैरेक्टर्स को याद करने हैं और उसके बाद 3 फाइलम्स, 3 सिस्टम्स, सिस्टम तंत्र को पढ़ना है और सबके ऊपर में एक एक स्पेशल फीचर्स। अब आपसे पूछिए कि पोरीफेरा के ऊपर में क्या स्पेशल फीचर्स थे। ऐसा ही करते टोटल 10 के 10 फाइलम आप पढ़ डालेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। समय लगेगा, शिद्दत लगेगी, ध्यान लगेगा, थोड़ा सा प्रयत्न लगेगा और इन सब चीजों के बाद आप उस चैप्टर को पूरे अपने मुट्ठी में कर पाएंगे, ऐसी पूरी कामना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली क्लास। तब तक आप अपने सभी विद्यार्थी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बताइए क्लास कैसी लगी और आपसे अनुरोध है कि आप क्लास को आखिरी तक जरूर देखें। आपको अगर समझना है तो आके जाएंगे, कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए कंटिन्यू देखें बेहतर रहेगा। स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। कॉर्डेटा के बारे में आज हमें जानना है कि फाइलम कॉर्डेटा क्या है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो जीवित जीव जंतु हैं उन्हें हम कॉर्डेटा के अंतर्गत बांट के रखते हैं, सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो भी हैं। तो उनमें कौन कौन आते हैं, तो उनमें हम लोग पढ़ते हैं आगे का प्रोसेस। इनका मूलभूत लक्षण, मतलब हमने क्यों कॉर्डेटा में इसको रखा है, कॉर्डेटा के ऊपर में, मतलब इसके अंदर आने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका मेन कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होगा। ठीक है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जब अपन बात करेंगे तो 3 मूलभूत लक्षण हैं। एक तो पृष्ठरज्जू, ठीक है, इनके पास में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा, नो डाउट कि पाया ही जाएगा। इसी आधार पर ये 11वें फाइलम का निर्माण ही हुआ है। जिन जिन के पास में पृष्ठरज्जू, वर्टिब्रल कॉलम, कॉर्ड, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, उसे ही हम इसे बात करते हैं। ये पृष्ठ खोखली तंत्रिका, इसके अंदर जो है कॉर्डेटा के अंदर जो है खोखला रहेगा और उसके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा। मतलब अंदर जो स्ट्रक्चर हमारा, जो वर्टिब्रल कॉलम, बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, अंदर से खोखला है और इसके अंदर नर्व्स जो है वो तंत्रिकाएं उसके अंदर की प्रेजेंट है। ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। और तीसरा, इनके पास में युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाया जाएगा। मतलब ग्रसनी के पास में क्लोम छिद्र, कभी कभी क्लोम छिद्र, 2 छिद्र अलग अलग, युग्मित मतलब जोड़ा, 2 जोड़े छिद्र पाए जाएंगे और यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हेमिकॉर्डेटा में भी है और कॉर्डेटा में भी है। युग्मित ग्रसनी छिद्र पाया जाएगा, ग्रसनी के पास में, फेरिंग्स के पास में 2 छिद्र पाए जाएंगे, एक हवा के लिए और एक भोजन के लिए युग्मित छिद्र पाया जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होगा। मुझे उम्मीद है अभी तक बातें आप सभी को क्लियर होंगी और पूरे फोकस के साथ अपने दोस्तों से शेयर करते रहेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सभी बताने की जरूरत नहीं है, कॉर्डेट सभी द्विपार्श्व सममिति होंगे, इनके पास में द्विपार्श्व सममिति होगी, इनके पास में प्रगुहा मीन सिलोम पाया जाएगा। और जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लास अटेंड की है उन्हें यह बात बहुत ट्रिक के आधार पर मैंने समझा दी थी। और इन सभी के पास में सममिति त्रिकोर की रहेगी, इसका सीधा सा मतलब है इनके पास में 3 परत पाई जाएंगी, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंत त्वचा, 3 त्वचा पाई जाएंगी। द्विपार्श्व सममिति मतलब इन्हें विभाजन करने के लिए केवल एक ही अक्ष है जिसे इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रगुही प्राणी मतलब दे हैव सिलोम, इनके पास में गुहा पाई जाएगी और इनके पास में अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाएगा। ये 4 बातें मैंने ट्रिक से ही आपको क्लियर कर दी थी कि लाइन से ही आप इसे याद करेंगे तो आपसे ये बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, इनमें गुदा, पश्च, पूस तथा बंद परिसंचरण तंत्र भी पाया जाएगा। इनमें जो मतलब गुदा द्वार भी पाया जाएगा, मुख भी पाया जाएगा, मतलब पूर्ण परिसंचरण तंत्र है, पूर्ण पाचन तंत्र है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है, हमारे पास में धमनी सिराएं पाई जाती हैं, वेसल्स की सहायता से पूरी बॉडी में रक्त जाता है, इसलिए इस परिसंचरण तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है और यह कॉन्सेप्ट इसका काम करेगा। अगली कहानी की तरफ में बढ़ते हैं, यह 2 भागों में बटा हुआ है।
पहले आप लोगों को पढ़ना है कि व्हाट द मेजर डिफरेंस बिटवीन रज्जुकी एंड नॉन रज्जुकी, मतलब शुरू के 10 फाइलम और 11वें फाइलम के बीच में मुख्य अंतर क्या है। हम इस अंतर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी का ये डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न रज्जुकी के पास में जो रज्जुकी है इसमें प्रश्न रज्जुक उपस्थित होता है, दैट्स व्हाई इन्हें रज्जुकी या कॉर्डेट्स कहते हैं। नॉन कॉर्डेट्स, इनके पास में प्रश्न रज्जु अनुपस्थित रहेगा, मतलब दैट्स व्हाई इसे नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय खोखला तथा एकल होता है। हमारे पास में जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो एकल है, एक पोर्शन रहेगा अंदर से खोखला रहेगा और उसमें तंत्र पाया जाएगा। इसमें जो तंत्रिका तंत्र है वो बेस में रहता है, ठोस रहता है और दोहरा डबल रहेगा इनके पास में। अगली कहानी, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी में क्लोम छिद्र अलग से पाया जाएगा, इनके पास में क्लोम छिद्र क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, ये बात याद रहनी चाहिए। हृदय जो है अधर भाग में होता है, हृदय जो होता है वो अधर भाग में होता है, लेयर सरफेस में रहता है और इनके पृष्ठ भाग में मतलब पीछे की तरफ में रहता है, अगर हुआ तो, अन्यथा होगा भी नहीं। बहुत लोगों के पास में हृदय नहीं होता, किसी किसी के पास में हृदय होता है, तो ये प्रोसेस यहां पर समझ में आएगा। इसमें जो गुदा है वो पश्च पूछ पर उपस्थित रहती है, पीछे की तरफ में जो है वो गुदा द्वार उपस्थित रहेगा पूछ के नीचे, जबकि गुदा द्वार जो है पश्च पूछ यहां पर अनुपस्थित रहता है। ये मेजर डिफरेंस है आपका पृष्ठ रज्जु और सॉरी आपके रज्जु की और नॉन रज्जु की के बीच में। इसे बार बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाएगी। अगली कहानी की तरफ मैं बात करते हैं। अगली कहानी ये प्रोसेस है, उम्मीद है सारे बच्चे इस बात को पढ़ रहे होंगे, आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ में होगा और आपको क्लास भी पसंद आ रही होगी। ये टॉपिक एनिमल किंगडम बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में से एक है, बट यदि आप इसे सिंपल तरीके से पढ़ें और जैसा मैं कह रहा हूं अगर आप इसे पढ़ें तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। मैं बहुत सारे बच्चों से सुनता हूं कि चैप्टर हमेशा टफ लगता है, मुझे कभी नहीं लगा, लेकिन आपको भी नहीं लगना चाहिए। कारण क्या, आसान है। आज हम इसको मिलकर आसान बनाते हैं, बस आपका चाहिए प्रयत्न, ध्यान चाहिए आपका, जिसके आधार पर ये टॉपिक बहुत आसान बन सकता है। स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। संघ का डेटा को हम तीन उपसंघों में बांट देते हैं। इनके पास में कुछ स्पेशल फीचर्स रहते हैं जिस आधार पर इसे हमने तीन संघों में विभाजित कर दिया है। पहला यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद आएगा इसको अपन ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरा आएगा सिफेलोकॉर्डेटा एंड तीसरा है वर्टिब्रेटा। किस आधार पर बांटा है हमने, इस बात को समझिएगा, ठीक है। रज्जुकी क्या इंग्लिश में, इंग्लिश में भाई इसे मतलब कॉर्डेट्स कहते हैं, रज्जुकी कॉर्डेट्स, ठीक है। आगे बढ़ा जाएगा तो सिफेलो जो फाइलम्स हैं वो तीन भागों में बटा हुआ है। पहला हो गया यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आइए पढ़ते हैं इन सबके बारे में कि इन सबकी क्या क्या खास बात है। सबसे पहला सब फाइलम, सबसे पहला उपसंघ हम बात करेंगे, उपसंघ के बारे में, सिफेलम के बारे में हम पढ़ेंगे, यूरोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा इसलिए बांटा गया है, इसके पास जो पृष्ठ रज्जु है केवल और केवल पूंछ पर, लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, उसके बाद इनके पास में पृष्ठ रज्जु उपस्थित नहीं है। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाया जाता है, जीवन पर्यंत यह पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता, यही इसकी सबसे जरूरी बात है जिस आधार पर हमने इसे कहा है कि यह यूरोकॉर्डेटा है। आपसे पूछा जाए यूरोकॉर्डेटा क्या होता है, आप क्या कहेंगे भाई, कमेंट करके बताइए यहां पर कि अगर हम इसे क्या कहेंगे, अगर इनके यूरोकॉर्डेटा मतलब इनके पास में कॉर्ड रज्जु जो है वो जीवन पर्यंत नहीं होता, वो केवल लार्वा की पूंछ में रहेगा, एडल्ट में वो गायब हो जाएगा। समुद्री प्राणी है, नाम बस याद रखिएगा, यूरोकॉर्डेटा में सीडिया सेल्पा एंड डेलियोलम, इसे अपन कहते हैं डेलियोलम, जो अपन कहेंगे सेल्पा, और ये पोर्शन हो गया, कहानी खत्म। एसिडिया, एसिडिया सेल्पम एंड डियोडोलम, ये तीन जो है वो यूरोकॉर्डेटा में पूछा जाएगा, डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा यूरोकॉर्डेटा क्या होता है बेटा। यूरोकॉर्डेटा होता है जिसके केवल और केवल पूंछ के, लार्वा की पूंछ में सिर्फ पाया जाएगा कॉर्ड, बाकी जीवन पर्यंत ये कॉर्डेटा उपस्थित नहीं रहेगा, ये हो गया यूरोकॉर्डेटा। अगला पॉइंट, सिफेलोकॉर्डेटा के ऊपर में सवाल पूछा जाएगा, सिफेलोकॉर्डेटा क्या चीज है भाई, तो सिफेलोकॉर्डेटा मतलब इनके पास में क्या है, पृष्ठ रज्जु सिर से लेकर पूंछ तक फैली रहती है जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। ये कहानी हुई ना, यहां पर कॉर्डेट जो है वो सिर से लेकर पूंछ तक है और हर जगह जीवन पर्यंत बनी हुई, ऐसा नहीं कि लार्वा में है और बाद में नहीं है, जीवन पर्यंत बनी रहेगी, ठीक है।
जैसा प्रोसेस ये रहता है, पृष्ठरज्जु सिर से लेकर पूंछ तक फैली रहती है जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। ये भी समुद्री प्राणी हैं और ये याद रखना, इनका एग्जांपल आता है एम्फीग्लॉसेस या लैंडलेट्स। ये दो एग्जांपल हैं, दो कहानियां हैं, ये डायग्राम्स हैं, देखिए पढ़िए और सब बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। मैंने अभी तक आपको दो ही बातें बताई हैं कि कॉर्डेट्स को हमने दो भागों में, तीन भागों में बांट रखा है। याद रखने के लिए आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि यूरोकॉर्डेटा जिसके जीवन पर्यंत नहीं पाया जाता कॉर्ड रज्जू, ये सिर्फ और सिर्फ पूंछ में, वो भी लार्वा की पूंछ में कॉर्ड्स पाए जाएंगे। जबकि हम जब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं सिफेलोकॉर्डेटा, उनमें जीवन पर्यंत ये पाया जाएगा। और दूसरी कहानी ये होती है कि इनमें सर से लेकर पूंछ तक ये प्रोसेस पाया जाएगा। अगली कहानी, एग्जाम्पल्स पे ज्यादा जोर नहीं है, मेन चीज उसको किस आधार पर विभाजित किया गया ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं जिसे हम कहेंगे कशेरुकी संघ, मतलब वर्टिब्रेटा। अब हम लोग अगला लास्ट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मनुष्य आते हैं, जिसमें हम आ रहे हैं। तो हम अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कशेरुकी क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, डायग्राम्स में देखने की बात समझते हैं। सबसे पहली बात, वर्टिब्रेटा किस आधार पर हमने इसे रखा गया है। प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाएगी, पहली जरूरी बात। हम जब भ्रूण अवस्था में रहेंगे तब उनके पास में पृष्ठरज्जु पाया जाएगा। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल तथा उपास्थिल मेरुदंड में बदल जाती है। हमारे पास में जो नोटोकॉर्ड होगा, जो नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु होगा, वो अब हमारे पास में मेरुदंड में बदल गया है। कभी कभी वो अस्थियों से बना हुआ रहता है, कभी कभी उपास्थियों से, समटाइम्स में भी बोन से बना रहेगा और समटाइम कॉटलेस से बना हुआ रहता है। दोनों में इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो क्या डिफरेंस हुआ बेटा तीनों में? पहली बात, किसी के पूंछ में है, पूंछ से लेकर सिर तक है। और तीसरे में, अब नोटोकॉर्ड जो पृष्ठरज्जु है कन्वर्टेड इनटू मेरुदंड मींस वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया। तो हम वर्टिब्रेटा हैं। हमारे पास में जब हम लोग बच्चे अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में, मां के गर्भ में होते हैं, उस समय हमें हमारे पास में इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। बाद में ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा, किसमें? मेरुदंड में बदल जाएगा। अगली कहानी, कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं हो सकते, ये कहानी ध्यान पे रखिएगा। सभी रज्जुक, जो रज्जुक हैं वो सभी कशेरुकी नहीं हो सकते, लेकिन कशेरुकी रज्जुक होते हैं, ये बात तो क्लियर है भाई, क्योंकि रज्जुक के अंदर ही कशेरुकी आते हैं ना, तो सिंपल सी बात है ये वाली बात। कशेरुकी के बारे में सबसे जरूरी बात ये है कि इनके पास जो हृदय होता है वो दो प्रकोष्ठ वाला है, तीन प्रकोष्ठ वाला है, चार प्रकोष्ठ वाला, टू चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट, तीनों पाए जा सकते हैं इनके पास में। वृक्क उत्सर्जन के लिए इनके पास में किडनी है और जल संतुलन का भी कार्य करता है। आगे धीरे 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 करके हम सबको समझने की कोशिश करेंगे, सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर यह डिवीजन किया गया है, क्या बेसिस है इसके। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तीनों का चार्ट बनाइए, तीनों को कहानियों को लिखिए एक पॉइंट पे, और एक सादे से पॉइंट में आपको यह बात समझ में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है बहुत क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए भाई आगे बात करते हैं, क्या प्रोसेस होगा इसका, क्या सभी बच्चों को यहां तक, एक एक पॉइंट कह रहा हूं मैं सिर्फ आप लोगों से, यूरोकॉर्डेटा में कॉर्ड कहां तक रहता है, सिफेलोकॉर्डेटा में कॉर्ड कहां तक रहता है, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड का क्या होता है, ये तीन बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मतलब समझ लो अभी आपने इस टॉपिक को मुट्ठी में रखा हुआ है। ये तीन बातें, मात्र तीन बातें आपको याद रहनी चाहिए। एग्जाम्पल्स में कोई विशेष सवाल यहां से नहीं पूछा जाएगा, सवाल मुख्य रूप से यह है कि तीनों के पास में नोटोकॉर्ड का क्या हाल है, तीनों में से नोटोकॉर्ड का क्या हाल है, किसके पूंछ में है, किसके सर से लेकर पूंछ तक है, किस में बदल गया मेरुदंड तक। अगर समझ में आया तो कहानी बन गई भाई, और नहीं आया तो फिर से पढ़ने का, फिर से वीडियो देखने का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, उम्मीद है सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी और आना ही चाहिए। शुरुआत करते हैं हमारा सबसे फेवरेट वर्टिब्रेटा को डिटेल में पढ़ने का। वर्टिब्रेटा के बारे में, कशेरुकी प्राणी कौन होते हैं भाई, जिनके पास में नोटोकॉर्ड कशेरुक यानी वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया है। तो बदला है तो क्या लेकर आया है, क्या क्या खास बात है वर्टिब्रेटा की, ये देखिए। आपको सब देखे सुने हुए डायग्राम दिख रहे हैं आपको यहां पर, चिड़िया है ये, आपका लियोपर्ड दिखाई दे रहा है, मछलियां है ये, मेढक है ये, जो जितने भी हो सकते हैं इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ये क्या है, क्या क्या पाया जाएगा इनके पास में, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि अब हम अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
सबसे बड़ा फाइलम है, इनके पास में क्या क्या खास बात है आज हम इसके बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। वर्टिब्रेटा मतलब ये जो जीव जंतु जो अपने नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में बदल देते हैं, इन्हें हमने दो भागों में बांटा। पहला भाग जो है वो एगनाथा और नाथा, नाथा अनाथा जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, अनाथा हो गया, ये नाथा अनाथा वाला पोर्शन है। इन दोनों को हमने क्या बांटा कि जो एगनाथा है वो जॉलेस है, मतलब इसके पास में जबड़ा, थोड़ा सा इंग्लिश में बाद में मैं हिंदी में समझा दूंगा। दुनिया में दो प्रकार के वर्टिब्रेट्स हैं, एक तो जिनके पास में जबड़ा नहीं है, जबड़ा रहित, और जबड़ा सहित। जिनके पास जबड़ा नहीं है उसे हम लोगों ने नाम रखा है साइक्लोस्टोमेटा, मतलब इनका मुंह थोड़ा सा ऐसा, यहां पर जबड़े को हटा दो तो ऐसा गोल 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 मुंह रहेगा, दैट्स वाई इसका नाम पड़ेगा साइक्लोस्टोमेटा। शब्द ही अपने आप को सब कुछ क्लियर कर रहा है कि जबड़ा नहीं रहेगा, हड्डी नहीं रहेगी, तो गोल ऐसा मुंह ऐसा गोल हो जाएगा, ठीक है, और गोल मुंह हो गया तो नाम पड़ गया साइक्लोस्टोमेटा। अब मान लीजिए कि जबड़ा है, तब दो प्रकार से हो सकते हैं। अब जबड़ा उपस्थित है तो हो सकता है एक सुपर क्लास में बांट दिया हमने पीसेस, पीसेस यानी जो मछलियां होती हैं, और दूसरा टेट्रापोडा। तो जिनके पास में जबड़े हैं उसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो वो जिनके पास में फिन्स होते हैं, मछलियों के पास में फिन्स होते हैं मछलियां, और जिनके पास में चार पैर पाए जाते हैं, दैट्स वाई इनका नाम रख दिया गया टेट्रापोडा। टेट्रापोडा इज अ सुपर क्लास, सुपर क्लास है ये टेट्रापोडा। इनके पास में बेटा चार पैर पाए जाएंगे, तो जिनके पास में चार पैर पाए जाएंगे वो एक अलग क्लास बन गया सुपर क्लास, और जिनके पास में गति करने के लिए फिन्स जैसे मछलियों में पाए जाते हैं उसे हमने पीसेस यानी मछलियों में डाल दिया। मछलियां भी दुनिया में दो प्रकार की होती हैं, एक को अपन कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीज और एक को अपन कहते हैं ऑस्टिक्थीज। हिंदी इंग्लिश यही है, कोई अलग बात नहीं है। कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनके पास उपास्थि का बना हुआ कंकाल पाया जाएगा, कार्टिलेज बना हुआ रहता है, कोमल मछलियां रहेंगी, उन्हें आसानी से खाया जा सकता है। दूसरी बात, ऑस्टिक्थीज कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, तो कुछ हड्डियों वाली मछली है और कुछ उपास्थि वाली मछली है, इस हिसाब से दो भागों में बांटा गया। जिनके पास चार पैर हैं उन्हें भी अलग अलग तरीके से बांटा गया। कुछ होते हैं एम्फीबिया, उभयचर, जो जल में भी रह लेते हैं थल में भी रह लेते हैं। फिर आते हैं रेप्टाइला, सरीसृप, आपने देखा होगा जो सांप मगरमच्छ ये सब सरीसृप में आते हैं। फिर आते हैं एविश यानी पक्षी, और सबसे ज्यादा डेवलप्ड सबसे बड़ा जीव जंतु जो है वो है मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब होता है जिसे हम कहेंगे स्तनधारी। अब हम हर किसी के बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट पढ़ेंगे और आज का हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये चार्ट जरूर बनाएंगे, हिंदी में इंग्लिश सेम है बच्चे, आप लोग याद रखना। वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा गया अकॉर्डिंग टू जॉब लोकेशन, जॉ है कि नहीं है, तो जॉ नहीं है तो साइक्लोस्टोमेटा, जॉ है तो फिर दो भागों में बांटो। जिनके पास जबड़ा है उसमें दो भागों में बांटे, तो एक हो गया मछली वाला भाग पीसेस जिसके पास में फिन्स है गति करने के लिए, और बाकी हो गए टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मतलब चार पैर वाले। मछलियों को फिर हमने दो भागों में बांटा, एक के पास में उपास्थि पाया जाएगा, एक के पास में हड्डी कॉन्ड्रिक्थीस ऑस्टिक्थीस पाया जाएगा। फिर हमने जिनके पास चार पैर हैं उसे हमने चार भागों में बांटा, एम्फीबिया रेप्टाइला एविस यानी पक्षी एंड लास्ट वन इज अ मैमेलिया। आगे बढ़ते हैं, क्या बताया जाएगा हिंदी वाले बच्चों को, ये हिंदी में लिखा हुआ भाई एनसीईआरटी का मैंने बांट कर दिया है कि वर्टिब्रेटा का डिवीजन किया अनैथोस्टोमाटा और ये हो गया नैथोस्टोमेटा, ठीक है। अनैथोस्टोमेटा मतलब जिसके पास में जबड़े का अभाव है, इसको अनैथोस्टोमेटा स्टोमा कहेंगे। इसका एग्जांपल आएगा साइक्लोस्टोमेटा, जबड़े उपस्थित हैं अगर तो नैथोस्टोमेटा कहेंगे। नैथो वाला पार्ट दो भाग में, पहला पीसीज जिसके पास में पख या फिन्स पाया जाएगा, पख अगर प्रेजेंट है तो दो भागों में बांटा कॉन्ड्रिक्थीस ऑस्टिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस के पास उपास्थि पाया जाएगा, यहीं पर लिख लेना बेटा, इसके पास में उपास्थि पाया जाएगा। ऑस्टिक्थीस का मतलब इसके पास में पाया जाएगा अस्थि। जबड़े जिसके पास में है उसे हम कहते हैं टेट्रापोडा, चार पैर पाए जाएंगे, चतुष्पाद पाया जाएगा, एम्फीबिया उभयचर रेप्टाइला सरीसृप एवीज यानी पक्षी और स्तनधारी। मुझे उम्मीद है लगभग सभी विद्यार्थियों को यह बात समझ में आ रही होगी। अगले पार्ट की तरफ में बढ़ते हैं, एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात समझेंगे। हालांकि एक एक पॉइंट तो सबके बारे में क्लियर होगा ही, हम उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। डॉक्टर बिंता का दिमाग आज कम काम कर रहा है, कोई बात नहीं,
ठीक है, तो दिमाग को पिलाओ शंख पुष्पी और शंख पुष्पी से दिमाग बढ़ेगा फिर तुम्हारा, ठीक है। प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब दिमाग बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या मतलब आप लोगों को, मतलब कमेंट पढ़ लेना तो आदमी का जीवन तो ऐसे ही पूरा टाइम पास हो जाए, भगवान जाने कहां की बातें बैठी रहती हैं भाई साहब, पढ़ने आते हो क्या, करने आते हो इधर। नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है? अलग अलग चीजें बेटा, जब अपन स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं तो ये अलग अलग चीजें, नोटोकॉर्ड प्रेस रज्जु जब अपन एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम जब ये पूरी मेरुदंड पूरा एक के साथ जुड़ जाता है, फिर उसके अंदर का जो प्रोसेस जहां पर नर्व्स पाए जाते हैं उसे हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया भाई? हाँ, ये अलग अलग टाइप के मैसेज है। ये वर्षा सिंह तो भगवान जाने क्या बोल रही थी यहां पर, हो गया समझ में आ रहा है कि नहीं आया भाई? ठीक है, ये आदमी, इसको गल से परेशानी है ना, हर सेंटेंसली मैनिपुलेट नाम है जिसका, अरे क्या लेना देना है बेटा, है मतलब गजब क्या हो सकता है। एक को एपिग्लॉटिस जानना है, बताया जाएगा, कोई बात नहीं डॉक्टर बिंदा, कोई बात नहीं, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, चैटे ऑफ कर दो एकदम। देखो इतना पाप कर रहा आप लोग, लाइट तक गोल हो गया है ना आप लोगों के चक्कर में। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं आगे प्रोसेस को, कोई अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोगों के पाप के चक्कर में पूरा लाइट गोल हो गया, हे भगवान। ठीक है, चलो अब बात नहीं करेंगे आप लोग, स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्लास, वर्टिब्रेटा के बारे में हर किसी के एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, कॉर्ड जो है वो बोन्स के अंदर पूरा भाग, बाहर से ना खोखला होता है, हड्डियां जो होती है ना हमारी यहाँ की हड्डियां, ये खोखली होती हैं, उसके अंदर पे न्यूरॉन्स का पूरा एक क्रम पाया जाता है, फाइबर्स जिसे हम कहते हैं वो है, तो उसे अपन स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। ठीक है, अब जो हड्डी है वो नॉर्मल मेरुदंड है, उसके अंदर जो है खोखला है तो अंदर स्पाइनल कॉर्ड, वही है वर्टिब्रल कॉलम, एक साथ उसको वर्टिब्रल कॉलम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ स्नैक में लिम्स अब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ हद तक उनके पास में थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, चले भाई स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली, चलो बहुत सारे बच्चों को अब आगे बढ़ना है। वर्टिब्रेटा डायग्राम ही सामने दिख रहा है, वर्टिब्रेटा वही है, देखो बेटा इसके पास में, इस मछली के पास में वर्टिब्रे है, ये मेंढक है इसके पास वर्टिब्रे है, सांप है इसके पास में वर्टिब्रा है, ये मान लीजिए जो भी होगा डॉग टाइप का दिख रहा है वैसे, लेकिन डॉग ही होगा तो ये वर्टिब्रेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? मनुष्य है वर्टिब्रा, सबके पास में, जिसके पास में मेरुदंड रहेगा वो वर्टिब्रेटा में आएगा। ये क्लास है, सुपर क्लास है, जिसमें वर्टिब्रेटा हम लोगों को डालना है। चलें आगे बात करें, सॉरी सुपर क्लास नहीं, उपसंग है जिसे हम कहते हैं। शुरुआत करते हैं एक एक करके। पहली बात, पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। साइक्लोस्टोमेटा मतलब मुंह के आधार पर ही हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। पहली बात, मछलियों के बाहर ये बाह्य परजीवी रहेंगे। शरीर लंबा होगा, श्वसन के लिए 6 से 10 जोड़ी क्लोम छिद्र, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा बिना जबड़ों का रहेगा, तो जबड़े नहीं है तो अब क्या रहेगा, चूसक पाया जाएगा इसके पास में, चूसने के लिए रहेगा भाई, जबड़ा हो तो चबाता, नहीं तो चूसने का मटेरियल है। ठीक है, चूसक वृत्ताकार मुख, गोल मुख पाया जाएगा, किसी से हमारा हड्डी हटा दो उसके बाद हमारा मुंह भी गोल हो जाता है। बुढ़ापे में देखना, किसी किसी के दांत टूट जाते हैं ना तो मुंह जो है सब गोल गोल घूम जाता है, तो कारण क्या है उसका? यही कारण है बेटा, क्योंकि उसके पास में जबड़े नहीं है तो गोल मुख पाया जाएगा। शरीर में सल्क तथा युग्मित पखों का, मतलब देखो इसके कॉर्नर कॉर्नर पे यहां पर देखो हल्के हल्के पख पाए जाएंगे, इसी से ये आगे ऐसा बढ़ने का काम करता है, पख फिन्स कहते हैं इसको, इनके पास में पाया जाएगा। ये कहानी हमारी खत्म। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कपाल ऊपरी भाग इनका, और इसके अलावा मेरुदंड उपास्थिल मतलब किसका बना रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, उपास्थि को क्या कहते हैं, बोन्स है एक, क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, सॉरी कार्टिलेज है, हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, कार्टिलेज का बना रहता है। ठीक है, कार्टिलेज समझते हैं ना सभी लोग, सॉफ्ट बोन। ठीक है, कुछ कुछ हिस्से में जो जैसे हमारे कान के पास में यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है, सॉफ्ट बोन है ये, नाक के ऊपर में यहाँ पे हल्का हल्का कार्टिलेज पाया जाता है, ये सॉफ्ट बोन है, और जो एकदम ठोस है ये सब प्रेजेंट है, ये सब बोन है, ये सब क्या है, बोन है। तो ये इनके पास में जो शरीर है वो उपास्थि का बना हुआ, बहुत कोमल रहेगा, यहां से ये प्रोसेस होगा। क्लियर समझ में आ रही है मेरी बात? परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है, ये डायग्राम्स देखो, ये कहानियों को पढ़ो, एकदम जबरदस्त। देखो सर्कुलर माउथ दिख रहा है इसका, कितना प्यारा माउथ है इसका, ये माउथ है उसका, इससे पूरा सक कर लेगा। ठीक है,
आगे कर लेगा। इनके पास में बस हो गया खत्म, यही तो पढ़ना है। इसके बाद मुख जो गोल गोल है, मुख कैसा है? गोल गोल है, परिसंचर तंत्र बंद प्रकार का है, शरीर उपास्थि का बना हुआ, खत्म। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगला पॉइंट आता है भाई, इसको अपन पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, और थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। चलो ये देखो, इसी के बारे में बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं। समुद्री रहते हैं, कई बार आता है ना वो गांव में, मतलब दिखाने के लिए लाते हैं, बोलते हैं दो मुंह ही सांप है, ठीक है, वो सांप नहीं रहता, एक्चुअली वो साइक्लोस्टोमेटा होते, समझे, दो मुंह का सांप, इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा करके लाल लाल दिखा होगा आपने, वो कुछ नुकसान नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, बहुत सारा चल रहा है भाई, कुछ सांप आप रहते नहीं, जबरदस्ती लाख दिखा दी, बोलो सांप है, अद्भुत, मैंने कश्मीर से लेकर आया है, मैंने कन्याकुमारी से लेकर आया है, और बेवकूफ बना के 150 लेकर झट के चल देते हैं। तो इसलिए पढ़े लिखे रहोगे तो कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, तो उसको बताना है, देख दोस्त ये सांप नहीं है, ये जो है माइक्सिन है, और ये सांप नहीं है, दो मुंही सांप नहीं है ये, ठीक है, बताने का है उसको। तो साइक्लोस्टोमेटा समुद्री होते हैं, लेकिन जनन के लिए अलवण वाला जल या सामान्य जल में प्रवेश करते हैं। ये इसका बहुत जरूरी फीचर्स है, इसके ऊपर में बजब सवाल आते हैं, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? रहते ये समुद्री, रहते कहां है? समुद्र में रहते हैं, लेकिन जनन करने के लिए जब इनको रिप्रोडक्शन करना होगा, ये सादे जल में आते हैं, सामान्य समुद्री जल, सामान्य जल जो होता है ये वहां पाए जाते हैं। अब जब क्या होता है, जब वो आ गए यहां पर जनन करेंगे, इनके जीवन का एक उद्देश्य, जनन किए मर गए, उद्धार हो गया, बस एक बार जनन हो गया ना, बस हो गया, उसके बाद अब कुछ नहीं चाहिए, मर गए। मरने के बाद अब इनके जो लार्वा हैं फिर से समंदर में जाएंगे, अपने जहां से देख के आता हूं उस गांव को जहां से हमारे पिताजी वापस आए हुए थे करके, ठीक है, तो वो समंदर में जाएगा, समंदर में जीवन भर रहेगा, फिर वो जनन करने के लिए वापस आएगा, जनन करेगा, फिर वो मर जाएगा, फिर उसकी अगली पीढ़ी वहां जाएगी, जीवन वहां बिताएगी, जनन करेगी, मर जाएगी। समझ आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? पैदा होंगे और मरेंगे कहां पर? साफ जल में, मतलब नदियों के पानी में, जिनमें जिसमें ज्यादा लवण नहीं पाया जाता, लेकिन जहां लवण पाया जाता है जीवन वहां गुजारते हैं। यह है साइक्लोस्टोमेटा की कहानी, यह है साइक्लोस्टोमेटा की कहानी। लार्वा के कायांतरण के बाद फिर समुद्र में चले जाएंगे, यही जीवन भर चलता रहता है। यह पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश, यही सब पाया जाएगा, यही हैगफिश, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग इसके बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगली कहानी के बारे में। तो हमने साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे नेथोस्टोमेटा के ऊपर में, जिनके पास जबड़ा पाया जाता है, जिनके पास में जबड़ा पाया जाता है। तो जबड़ा पाया जाएगा तो क्या पाया जाएगा? जिनके पास जबड़ा पाया जाएगा उनके पास में पख भी पाए जाएंगे, और पख की उपस्थिति के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा है, कॉन्ड्रिक्थिस, जिनके पास कार्टिलेज या उपास्थि पाई जाएगी, और दूसरा पार्ट ऑस्टिक्थिस, जिसके पास में बोन या मतलब हड्डी पाई जाएगी, हड्डी बोन्स जिसे अपन कहते हैं, अस्थि पाई जाएगी। तो इस हिसाब से दुनिया में दो मछलियां पाई जाती हैं। आप जो मछली खाते हैं आप देखिएगा उसे कि वो हड्डी की बनी है कि उपास्थि की बनी, खाते ही पता चल जाएगा। अगर उसकी हड्डी को ऐसा तोड़ेंगे और तुरंत कट के खा सकते हो तो वो उपास्थि की है, और अगर मजबूत है तो अस्थि, हालांकि अस्थि वाली तो ज्यादा आप खा ही नहीं सकते। बड़ी मछलियां जो होती हैं वो बोनी फिशेस होती हैं, बड़ी मछलियां, और जो छोटी मछलियां होती हैं वो उपास्थि की बनी हुई रहती हैं। दोनों का डायग्राम देखो और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी मछली किस प्रकार से आगे काम करेगी। पहला टॉपिक उपास्थि की बनी हुई मछलियां, ध्यान सुनना, खाने पीने का सवाल है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गले में कांटा फंसेगा तुम ही लोग जानोगे, ठीक है। तो गले कांटा जो है उपास्थि बना रहता है, समझ में आ रही मेरी बात? तो अगली बार ध्यान से खाने का है, मछली का गले का कांटा, मतलब कांटा जो है गले में फंसे, दांत में फंसे, जीभ के नीचे फंसे, बड़ी परेशानी हो जाती है, बहुत गंदा ऑपरेशन करना पड़ता है, जीवन तबाह हो जाता है 2-3 घंटे तक, ऐसा फिर दोबारा मछलियों से एकदम ना तौबा 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 हो जाती है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए, कॉन्ड्रिक्थीस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिक्थीस, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीस कौन कहलाएगा भाई, और ये हो गया ऑस्टिक्थीस, दोनों को हम लोग अंतर करा के पढ़ेंगे, ठीक है। पहला कॉन्ड्रिक्थीस, ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी है, धारा रेखीय मतलब जहां उनके शरीर जो है सीधा बना हुआ रहेगा, और ये वर्ग मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। ये पूरी तरह से समुद्री है, जो कॉन्ड्रिक्थीस है वो पूरी तरह से समुद्री है, ये लवण तथा अलवण मतलब समुद्री और सादे पानी दोनों में रह लेती है। इसका अंतः कंकाल उपास्थिल, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनका जो अंदर का कंकाल है वो उपास्थि का बना हुआ है, इनका जो अंतः कंकाल है वो अस्थिल मतलब बोन्स का बना हुआ है, खत्म, बोन्स का बना हुआ है। पृष्ठरज्जु चिरस्थाई है, जीवन भर पृष्ठरज्जु पाया जाएगा, उसमें भी ऐसा ही है, उसका भी पृष्ठरज्जु जीवन भर पाया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोनों में अंतर देखना,
इनका जो मुख है वो अधर तल मतलब नीचे की तरफ में, देखो ये इसका मुंह है ना, इसका नीचे की तरफ में मुंह है और इसका मुंह जो है वो सामने की तरफ में, ऐसा सामने की तरफ में। तो इसका मेन अंतर ये हो गया कि इनका मुख जो है वो नीचे अधर की तरफ में है और इनका मुख जो होता है अग्र सिरे की तरफ में अंत में होता है। मुख का आखिरी भाग ऐसा कोना है तो यहां पर मुंह पाया जाएगा और इसका मुंह जो है यहां पर नीचे पाया जाएगा। ये जब खाने जाएगा तो ऐसे पहले ऊपर ऐसे जाएगा और उसके बाद ऐसा नीचे से ऐसा खाएगा, नीचे वाले जानवरों को खाएगा और ये सामने वाले जानवरों को खाता है। समझ में आ रही मेरी बात? ये डिफरेंस है इन दोनों का। अगली कहानी, क्लोम छिद्र अलग अलग रहेंगे, गिल्स ऑपरकुलम से ढके हुए ना, गिल्स सिट अलग अलग हैं और इनके पास में जो चार जोड़ी क्लोम छिद्र हैं वो ऊपर से ढके रहते हैं, ऑपरनाकुलम के थ्रू ये लोग ढके हुए रहेंगे। ऑपरनाकुलम से क्या रखेंगे? ढके हुए रखेंगे। समझ है कहानी? सामने का तरफ मुंह और इनका ढका हुआ बॉडी। और पढ़ते हैं इनके बारे में क्या अंतर है भाई। इनकी त्वचा जो होती है वो सूक्ष्म होती है, प्लैकॉइड यानी शल्क युक्त पाई जाएगी, शल्क इनके शरीर में हल्के हल्के शल्क ऐसे पाए जाएंगे, ठीक है। दांत पकताब शल्क के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो शल्क के रूप में रूपांतरित होकर अंदर की तरफ में क्या रहते हैं? मुड़े हुए रहते हैं, शल्क का बना हुआ रहता है, दांत नहीं पाया जाएगा शल्क पाया जाएगा, इसलिए ज्यादा खतरनाक ये जो उतना नहीं हो सकते, खा भी लेंगे तो डायरेक्टली निगलना पड़ेगा इनको। जबकि इनके पास में क्या होता है, इनमें त्वचा जो होता है साइकोइड की बनी होती है, सल्क से इनमें भी ढका हुआ रहता है और इन्हीं के ऊपर में ऐसा काट काट के वो जो पॉलिश जैसा स्ट्रक्चर निकलता है ना, मछलियां जब काटते हैं ऐसा ऊपर में हल्का हल्का, तो इन्हीं के पास में से निकलता है। इस प्रकार के जो स्किन है उसे अपन कहते हैं साइकोसाइड, इसको परत कहते हैं। इनमें वायु कोष्ठ उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक होता है। ध्यान समझना, इनके शरीर के अंदर वायु कोष्ठ पाया जाएगा जो इनको तैरने में मदद करता है, जो हवा पानी में ऊपर करके रखता है। इनको लगातार तैरना पड़ता है नहीं तो डूब जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, वायु कोष्ठ की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है और इनके पास में वायु कोष्ठ पाया जाएगा तो ये बने रहेंगे। अस्थि वाले शांत एक जगह से खड़े रहेंगे, नहीं डूबेंगे, लेकिन उपास्थि वाले अगर शांत रहेंगे तो डूब जाएंगे। समझ आई मेरी बात? इसलिए इनको लगातार चलना पड़ता है, तैरना पड़ता है। ये मेजर डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस देखो भाई कॉन्ड्रिक्थीज और स्टिक्थीज में। कॉन्ड्रिक्थीज वाला हृदय दो प्रकोष्ठ का रहेगा, एक आलिंद और एक निलय, हृदय दो प्रकोष्ठ का रहेगा। इसके पास में भी हृदय दो प्रकोष्ठ का रहेगा, एक आलिंद और एक निलय। इसके पास में विद्युत अंग होते हैं। बहुत जरूरी बात, नीट में बहुत सालों तक पूछा गया सवाल कि इनकी मछलियां करंट मारती हैं। अब करंट मारेंगी तो वो कौन सी मछली है? नाम ही रखा है उसका टॉरपीडो। टॉरपीडो सुने हो ना नाम, वो जो समंदर में वो जो पनडुब्बियां होती हैं, वो जो मारती है ना वो मिसाइल, उसको टॉरपीडो कहते हैं। तो वो टॉरपीडो की तरह ये भी करंट मारती हैं, तो मछली का नाम ही टॉरपीडो रख दिया गया है, वो करंट मारेगा। आपसे बोला जाएगा विद्युत अंग इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन मारता है? टॉरपीडो मारता है। कुछ में विषदंश भी होते हैं, कुछ लोग जहरीले भी होते हैं, टाइगोन। तो टाइगोन जो है वो विषैली है और टॉरपीडो है वो आपका उसके पास में करंट मारने की क्षमता है। ये सब असमतापी हैं, पोइकिलोथर्मिक है, मतलब ये अपने शरीर के तापमान को मेंटेन नहीं रख सकते। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती होगी तो ये एक स्थान को चेंज कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अगली कहानी, हृदय दो प्रकोष्ठ का होगा, ये सभी असमतापी हैं, ये भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। बहुत ठंड के समय आपने देखा होगा मछलियां एक सागर से दूसरे तरफ दूसरी जगह पर जाने लग जाती हैं, ये इनका कहानी है। अगली कहानी, नर और मादा अलग अलग होते हैं, नर मादा इसमें भी अलग अलग रहेंगे। इसमें श्रोणि पख आलिंगक क्लैस्पर पाया जाता है जिसकी सहायता से ये मादा मछली जो है नर मछली मादा मछली को पकड़ती है। इसके पास में आलिंगक पकड़ने वाला क्लैस्पर पाया जाएगा और इनके पास में ये अंडे देते हैं। ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, अधिकांशतः जरायुज होते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन होगा, जरायुज मतलब बच्चे पैदा करेंगे, ये अंडज होते हैं। इनमें निषेचन बाह्य होता है और परिवर्धन प्रत्यक्ष होगा, ये बात हो गई इनकी। तो कंपैरिजन करिए दोनों को, पढ़िए खूब ज्यादा, समझ में आती है ये बातें याद रखिएगा, ये इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अंडज है बोनी मछली, ये जरायुज है, इसमें जो है आंतरिक निषेचन होगा, इसमें बाह्य निषेचन होगा। ये बातें ये कहानियां जितना ज्यादा आपको याद रहेंगी उतना बेहतर समझ में आएगा। एक कॉमन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं मैं, पहला एग्जाम्पल जो अपन पढ़ेंगे एक हो गया डॉग मछली, इसको अपन कहते हैं स्कॉलिडन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉन्ड्रिक्थीस का, स्कॉलिडन डॉग फिश, ग्रेट व्हाइट शार्क सफेद शार्क ये भी इसी में आता है। इसके अलावा प्रिस्टल शॉफिस, टाइगॉन, स्टिंग रेस,
टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिकल रेज, तो ये सब के सब आते हैं कॉन्ड्रिक्थीज में. किस में आते हैं? कॉन्ड्रिक्थीज में. एंड लास्ट पॉइंट इज अ सुपर क्लास फिशेज जिसे हम पढ़ेंगे ऑस्टिक्थीज में. ऑस्टिक्थीज में हमें दो बातें और पढ़नी होती हैं. कुछ मछलियां समुद्री हैं, कुछ फ्रेश वाटर है और कुछ एक्वेरियम में रहने लायक है. अगर समंदर में रहने वाली मछलियों को घर में पालोगे नहीं रह पाएंगी, घर में रखने वाली मछलियों को कुएं में पालोगे नहीं पल पाएंगी, कुएं में रखने वाली मछलियों को अगर एक्वेरियम में पालोगे एक्वेरियम तोड़ के भाग जाएंगी. इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं कि कौन सी मछली एक्वेरियम में रहेगी और कौन सी मछली समंदर में. जब अपन मेराइन के बारे में बात करते हैं, फ्लाइंग फिश, बहुत सुंदर जबरदस्त मछली, उड़ती है ये, मतलब ऐसा हमेशा नहीं उड़ती है, थोड़ा सा पानी से ऐसा ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाती, इसे अपन कहते हैं एक्सोटस. ये आता है हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स. सी हॉर्स बहुत बेहतरीन ये भी जानवर है. सी हॉर्स बहुत सुंदर, इसका प्रजनन काल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग इसका जीवन है, पढ़ेंगे बाद में. यहां पर ये हो गया, यहां पर हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा. कुछ अलवण मतलब सामान्य रह में पाई जाती, जैसे रोहू, कतला, मांगुर, ये मछलियां सबसे ज्यादा, अगर आप लोग समंदर के पास में नहीं रहते हो तो सबसे ज्यादा खाने के लिए यही मछलियां मिलती हैं, रोहू, कतला और मांगुर, ठीक है. और अगर आप लोग कभी मछली प्रेमी हो और एक्वेरियम में, मतलब खाने के नहीं देखने के प्रेमी हो, तब आपको लगेगा वहां पर बेटा फाइटिंग फिश, बहुत लड़ती है, बहुत प्यारी दिखती है ये. और उसके बाद है पेट्रोमाइजन, ये एंगल फिश कहते हैं, एंजल, देखो ये बहुत सुंदर ऐसा एंगल बनाकर रखती है ऐसा करके, तो इसलिए इसे एंगल फिश कहते हैं, पेट्रोमाइफिलियम इसे अपन कहा जाता है, पेट्रोपिसियम. समझ में आई मेरी बात? इतनी कहानियों को ध्यान पे रखिए. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग, यहां पर ये पूरी मछलियों का डायग्राम है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेट्रापोडा के ऊपर में बात करेंगे. बहुत सारी कहानियां हो गई, पढ़ के रखिए, समझ के रखिए, बार बार वीडियो को देखिए, कंटेंट को लिखिए, और उसके बाद एंजॉय करते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में टेट्रापोडा के ऊपर में. थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते रहिएगा नेक्स्ट क्लास में. लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, बार बार वीडियो देख के इतने कंटेंट जरूर याद रख लें. थैंक यू सो मच, बाय बाय.